अब जा रहे हैं नहाने, 12 o'clock हो रखे हैं, 10 बजे सो के उठ गए थे आज। और बाहर भी धूप हो रखी है बढ़िया, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इतनी है। तो जस्ट नहाने जा रहे थे तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और जो इधर एक आध दिन का डिले हुआ है उसके पीछे रीज़न है भाई, एक रीज़न क्या बताएं यार, वो सॉल्व भी नहीं हो रहा यार इशू, जल्दी जल्दी कराते हैं ठीक है। सो एज सून एज पॉसिबल उसको ठीक कराते हैं, और बाद में जा रहे हैं नहाने, तो नहा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस नहा के आ चुके हैं, ऑल सेट, और बाय द वे जस्ट खाना खाने जा रहे थे अभी। खाना खाने के बाद वापस अपनी क्लास लेनी है, क्योंकि एक्चुअली जो एग्ज़ाम की है वो डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, और हमारा एग्ज़ाम है 22nd of May 2023। अभी एडमिट कार्ड नहीं है, सिर्फ खाली एग्ज़ामिनेशन सेंटर की डेट आ चुकी है, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन सी सिटी में है वो आ चुका है। खैर यहीं पर लोकल है हमारा, कानपुर में ही है, कहीं हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रिजल्ट वाला ब्लॉग आप देख चुके हो कैसा है, थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो दैट, इधर के ब्लॉग्स थोड़े ज़्यादा लेट हो रहे हैं आजकल। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग्स को कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है। एक प्रॉब्लम इशू अभी तक चल रहा है क्रिएटर, वो रिजॉल्व हो जाएगा, कंसिस्टेंसी टूट रही है, मैं जान रहा हूँ, मेरे को खुद ख़राब लग रहा है इतना, बट लेकिन ये जल्दी जल्दी इसको रिजॉल्व कर लूँ मैं। तो गाइस खाना खा के हो चुके हैं सेट, को अभी जस्ट चॉकलेट खा देते हैं। एक नई चीज़ लोगों को पता चली है कि भाई जो पार्क है वो कैडबरी की है, आज तक लोगों को नहीं पता होगा, आज पहले लोगों को पता चलिए पार्क कैडबरी की है। अभी जाना दिवांश का उसके यहाँ काम भी है कुछ, और हमारा जो CUET का एडमिट कार्ड है उसी का डाउनलोड कर लेंगे, उतने क्या होता है कहाँ सिटी में कहाँ पड़ेगा उसका। मैं भी 21 को है शायद, मैं 22 को, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आगे। सो गाइस आ चुके हैं वापस से खाना पीना खा के, और एकदम फिट, पी 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 कितना करते हैं भाई, पी 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 लगा रखा है मैंने। एक्चुअली चेंज कर लिया था उस टाइम, टी शर्ट पहने थे और मेरे को बाहर जाना था, और भाई बाहर उतनी देर धूप है भाई, फुल शर्ट पहन के जाओ जान जाओ, वरना मत निकलो भाई, एकदम घनघोर भुन जाओगे, भुन भुट्टे की तरह भुन जाओगे भाई, इतनी देर धूप हो रखी है, ये देखो समझे, इसलिए कह रहा भाई जहाँ जाना कवर होकर रहना है। आज असली मतलब समझ आया, लड़कियाँ क्यों इतना बांधे बूंद कर रखती है भाई, इसी को लड़कियाँ ज़्यादा फेयर होती है लड़कों से। पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और मौज मस्ती भी करते रह रहे, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी में मौज भी करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, और दिल नहीं है, अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है मौज नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत है, और अगर सिर्फ मौज कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत ही दिक्कत है। तो दोनों चीज़ बैलेंस करके रखनी चाहिए इंसान को, सब वही वर्क है। और बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ब्लॉग में अपना शो कर रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जब से मैं ब्लॉग से रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ तब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है चैनल पर, उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बना रहे और बल्कि और ग्रोथ हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, सपोर्ट करो गाइस, यही है। सो बाय द वे बाकी अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो जस्ट पढ़ने जा रहे थे, पढ़ लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस निकल चुके हैं वापस से, और निकल गया चुके हैं खैर, लौट रहे हैं, काम कराने निकले थे, हो गया है काम, काम खैर कुछ खास नहीं था, थोड़ा सामान लेना था तो बस लेने निकले थे, अब जा रहे हैं घर। और उस समय अच्छा अच्छा क्या बताएं यार, यहाँ पे ऑटो वालों को यार एकदम से ऑटो मोड़ देते हैं यार, रुक जा भाई रुक जा, ये है बाकी सही है, जस्ट क्लास लेके उठ गए थे, क्लास ले ली थी, फिर ये हुआ कि चलो कहाँ सामान ले आते चल के, सामान लेने आए, अब जा रहे हैं घर और देखते हैं क्या होता है। और मैं हूँ भाई देवे कानपुर के सबसे फैशन में अगर बोले तो सबसे बिजीएस्ट मार्केट में अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू फैशन में, और इस समय मैं गोविंद नगर में, जो लोग भाई कानपुर से हैं वो जानते होंगे भाई गोविंद नगर की भीड़,
चार बार बजे शाम की बजाऊं। देखो क्या, देखो यार स्कोडा की अपनी अपनी वो है यार, रोड प्रेजेंस है यार। क्या देखो गाइस, खाली है खैर, मार्केट उस वाली रोड पे है, ये भी वही मार्केट वाली रोड है, बट इतनी नहीं चलती जितनी वो चलती है, समझे? यस, उसमें निकल जाए भाई तो भाई हो गई देर। यार देखो एक दिन अपने को भी गाइस इसमें इस स्टेयरिंग से लेजेंडर के स्टेयरिंग पे हाथ रखना है भाई, ऐसे ही जैसे आज इस स्टेयरिंग में हाथ रख के गाड़ी चल रही है, वैसे ही एक दिन लेजेंडर पे रख के चलेगी यार भाई, लेजेंडर। और ये होगा, बहुत जल्द होगा, जब तक आप लोग का सपोर्ट है तब तक ये परमानेंट बना रहेगा। हट जा भाई। गाइस मेरे को आज तक एक चीज़ नहीं समझ आती यार, एक्सेस के लोग इतने फैन हैं, बट एक्सेस में ऐसा है क्या यार, क्या क्या अच्छा लगता है एक्सेस में गाइस यार तुम लोग को, यार जो इतना तुम लोग फैन हो एक्सेस के हैं, मेरे को बताओ कोई जो फैन हो भाई जिसके पास एक्सेस हो, कमेंट करके बताइए ज़रा, ठीक है? खैर किसी ना किसी पे एक्सेस ज़रूर होगी, इतने हमारे सब्सक्राइबर हैं। क्या क्या खुश रहते हो यार, क्या खुश रह क्या रहते हो तुम लोग एक्सेस पे? ला भाई जाम नहीं है, ये है ट्रैफिक लाइट का जाम। जैसे मेरे को उधर फर्स्ट क्राई का शोरूम बना हुआ है, और मेरे को समझ नहीं आता है फर्स्ट क्राई में मिलता ही क्या है यार, पता नहीं ऐसा क्या आप देते हैं फर्स्ट क्राई में भाई। ये आजकल की मॉडर्न माएँ जो हैं ये ज़्यादा फर्स्ट क्राई कर रही हैं कंपेयर टू अदर्स गाइस। लेकिन एक बात तो है यार गाड़ी चलाने में, यार गाड़ी चलाओ तो भाई मज़ा भाई बहुत कैड़ा आता है यार, ये बात नो डाउट भाई बिल्कुल सच है भाई। कार चलाने का एक अपना अलग मज़ा यार, भले ही बाइक में कितनी वाइब आती है ये अलग चीज़ें हैं, कार चलाने की भाई एक अलग ही वाइब है भाई, कार की वाइब को कम्पीट नहीं कर सकता भाई। एक दिन था यार जब GTA में कार चुरा चुरा के चलाया करते थे, आज रोड पे चला रहे हैं भाई। टाइम फ्लाइज यार, टाइम बदलते समय लगता है यार। अरे ये तो एक ही बात हो गई यार, समय बदलते समय नहीं लगता बिल्कुल भी। ये आ गया विशाल, विच इज़ अ ग्रोसरी मार्ट, और हमारे देवांश भाई को बिल्कुल बहुत पसंद है ये भाई, देखना गिरा मत बस। आज तो घूम के आया तू है भाई, आज ये घूम के आए बहुत दूर आ गए थे, बताओगे नहीं अब भाई। आज ये कैफे वगैरह जाने लग गया भाई, केले केले क्या धीमे चला यार ऐसे ही। ओ भाई शीशा टूट गया, ये कैसे टूट गया? दीदी के नाम मत लगाए, हम चलाते हो इतनी खराब, उनसे क्या बता रहे हो कि टूट गई से क्या भाई, से क्या हुआ हीटर लग गया क्या? वाह भाई भाई, आज वो देखी हमने एक लड़की मतलब स्कूटी चला रही थी, लड़का पीछे बैठा था, और एक मीम थी मतलब ये इंस्टाग्राम पे, लड़का कहता क्या भाई ये लेवल चाहिए ट्रस्ट का, समझ रहे हो कि लड़की गाड़ी चला रही हो लड़का पीछे बैठा हो, लाभ को तो जीवन में कभी ट्रस्ट नहीं आएगा लड़की बैठा लेने का। ऑफ कैमरा है, ऑन कैमरा चुपा रहा है, ठीक है यार यही देना भाई। जो जीना है आज जी लो, कल का भरोसा नहीं है कुछ, तुम ही ना रहो बिल्कुल नहीं कह रहा GMO। आ चुके हैं गाइस वापस से घर, और उस समय तो खैर आपके साथ थोड़ी देर घूमे फिर चले आए काम करा के, उसको भी स्कूटी में कुछ करना था, और बाय द वे जिससे भी खाना खा रहे हैं और खा लेते हैं खाना फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय द वे आज क्लास का मेरा थोड़ा अटक गया, चार लेनी थी, मैंने दो ही क्लास ली अप्रॉक्स, दो में छूटी गई, और भाई 22 के पेपर हैं, डेट भी आ गई है। अब भाई प्रिपरेशन कर तो कर ही रहे हैं, खैर उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बट पेपर देने जाना है अच्छे से,
जी का मैंने ब्लॉग नहीं करा था, इसका ब्लॉग करेंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज। बहुत जस्ट अभी सो के उठे हैं, अभी सुबह रखी है और रात में ब्लॉग एंड नहीं किया था, मैं सोचे थे कल सुबह कर लेंगे, नहीं सोचे तो रात ही नहीं कर देंगे, बट नींद आ गई तो सो गए थे, फिर उसके बाद क्या नहीं जस्ट अभी सो के उठे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं कि ब्लॉग भी लंबा हो रहा है अभी है। और बजे बस एक आज के ब्लॉग में जहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग है तो फिर मिल जाए। तो जय हिंद।